और उत्तर प्रदेश पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सलमान खान को धमकी मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम गुरफान बताया जा रहा है। गुरफान उर्फ तैयब इसका नाम बताया जा रहा है। कारपेंटर है पेशे से, 20 साल उम्र बताई जा रही है। इसकी दो बहनें हैं, बरेली का रहने वाला है। आरोपी जिसकी गिरफ्तारी हुई उसको मुंबई ले जाया जा रहा है। खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी गुरफान को मुंबई पुलिस को सौंपा गया है और उसको इस वक्त मुंबई ले जाया जा रहा है। वहां से उसको उससे पूछताछ की जाएगी, उससे सवाल पूछे जाएंगे। सेक्टर 39 थाना पुलिस ने गुरफान को सौंपा है मुंबई पुलिस को। मुंबई पुलिस ने आरोपी की कस्टडी ले ली है। ये आपको बड़ी खबर बता रहे। सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी और जो धमकी दे रहा था यही आरोपी थे। आरोपी की गिरफ्तारी हुई, आरोपी गुरफान इसका नाम बताया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सलमान खान को धमकी, आरोपी गुरफान गिरफ्तार, पुलिस कस्टडी में आरोपी। और इस वक्त आपको लगातार बता रहे हैं और ग्राउंड पर आपको ले चलते हैं। कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, फिलहाल खबर ये मिल रही है कि मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया आरोपी को, अब उससे आगे जांच पड़ताल होगी, पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम पुलिस की बात करें, पुलिस के क्राइम ब्रांच की टीम की बात करें, वो पूरी तरह से एक्टिव है क्योंकि कुछ दिन पहले ही देखिए किस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। अब उनके बेटे जुशान सिद्दीकी और अभिनेता सलमान खान को जो धमकी मिली है वो काफ़ी देखिए डराने वाली है, क्योंकि साफ तौर पर उस जो टेक्स्ट मैसेज जो जुशान सिद्दीकी के कार्यालय में भेजा गया था उसमें ये लिखा था कि सलमान खान को मार देंगे और ये अब उनकी आखिरी वार्निंग है, लास्ट वार्निंग दी गई है। तो ऐसे में ये तमाम सवाल भी खड़े कर रही है। लेकिन अब चूंकि देखिए उसे गिरफ्तार किया गया था, इसी थाने पर लेके आया गया, नोएडा के सेक्टर 39 थाने पर लेकर के आया गया और उसके बाद उसे मुंबई के पुलिस को, मुंबई के क्राइम ब्रांच की टीम को सौंप दिया गया है। अब वो मुंबई में वहां पे जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो उनसे पूछताछ करेगी और साफ तौर पर देखिए पूछताछ काफी ज्यादा अहम भी बताई जा रही है क्योंकि वो आखिर किसी गैंग से जुड़ा हुआ था कि नहीं, इस पर भी देखिए पुलिस जांच करेगी क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिल्कुल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसी के साथ अब पूछताछ होगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उसने ये सब कुछ मनोरंजन के लिए किया था, लेकिन इस पूरे मामले में शुक्रवार को एक थ्रेट कॉल जाती है सिद्दीकी के ऑफिस में। जिशान सिद्दीकी को ये कहा जाता है कि उन्हें और सलमान खान को जान से मार देगा। अब जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है आखिरकार वो कौन है और उसने क्यों ये कदम उठाया, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले सलमान खान को धमकी, फिर जिशान सिद्दीकी को धमकी, अब पुलिस के शिकंजे में आरोपी गुरफान। पुलिस की हिरासत में खड़ा यह शख्स है गुरफान। गुरफान की भोली भाली सूरत पर मत जाइए। काम भले ही यह कारपेंटर का करता है लेकिन शौक इसके शूटरों वाले हैं। अब गुरफान को मुंबई पुलिस अपने साथ लेकर गई और उससे पूछताछ जारी है। गुरफान पर सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को धमकी देने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुरफान ने डायरेक्ट पैसे की मांग के लिए नहीं बल्कि ऐसे ही हलचल मचाने के लिए फोन किया था। उसका मकसद था किसी बहाने कुछ पैसे भी मिल जाएं। लेकिन मुंबई पुलिस ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया। पुलिस इस युवक का पूरा डाटा तलाश कर रही है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, परिवार में कौन लोग हैं और वो किस किस से बात किया करता था। मुंबई पुलिस गुरफान को अपने साथ मुंबई लेकर गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को नोएडा के सेक्टर 39 थाना से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक की उम्र 20 साल बताई जा रही है। गुरफान बरेली जिले का रहने वाला है। गुरफान के पिता सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं। तो अभिनेता सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जुशान सिद्दीकी को धमकी भरा मैसेज भेजने वाला गुफरान उर्फ मोहम्मद तैयब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में लेकर के आई थी जिसके बाद उसे मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। अगर हम तैयब की बात करें तो पेशे से वो कारपेंटर है, बरेली का रहने वाला है और 20 साल उसकी उम्र है। लेकिन सेक्टर 92 में वो काम कर रहा था, एक कोठी में कारपेंटर का काम कर रहा था। उसी दौरान का मोबाइल का लोकेशन ट्रेस होता है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि उसे फिलहाल मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो गुफरान उर्फ मोहम्मद तैयब से पूछताछ करेगी। गुरफान की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े करती है। महज 20 साल के लड़के को सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को धमकी देने की हिम्मत कहां से आई? ये महज मजाक है या फिर गुरफान के पीछे कोई और भी है? अगर गुरफान ने मजाक में यह हरकत की है तो उसे अब तक पता चल गया होगा कि यह मजाक उसे कितना महंगा पड़ने वाला है। बता दें कि शुक्रवार शाम को बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जिशान सिद्दीकी को धमकी भरा फोन आया था। सूत्रों के मुताबिक यह धमकी भरा कॉल उनके बांद्रा ईस्ट के जनसंपर्क कार्यालय के फोन पर आया
फोन पर शख्स ने जीशान और अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है और पैसे की मांग की। पुलिस ने इस मामले में जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के कर्मचारी की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। पुलिस को जानकारी मिली कि धमकी भरा फोन करने वाला आरोपी नोएडा में रह रहा था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और नोएडा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गुरफान को पकड़ लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वक्फ की, क्योंकि वक्फ बार बार अलग अलग जमीनों पर अपना कब्जा कर रहा है। किसानों की जमीनों पर कब्जा किया और किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। विरोध प्रदर्शन करते हुए इस वक्त वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसान नजर आ रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें जो किसान है नारेबाजी भी कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसान नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वक्फ अब किसानों की जमीन भी हड़पना चाहता है। इससे पहले भी वक्फ कई बार अलग अलग जमीनों पर दावा कर चुका है कि ये वक्फ की जमीन है। और इसी बीच कर्नाटक से खबर सामने आ रही है, बीदर में 300 किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों की जमीन को लेकर वक्फ नोटिस भेजा, लेकिन अब किसान गुस्से में है। सुनिए आप कैसे नारेबाजी कर रहे हैं किसान। और अब खबर आपको केरल के कासरगोड से बताते हैं, जहां नीलेश्वरम में एक मंदिर में वहां पर पूजा पाठ चल रहा था, उत्सव चल रहा था, लेकिन आतिशबाजी होती है और आतिशबाजी में विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से 150 लोग घायल हो गए हैं। जश्न में सराबोर लोग, फिर एक जोरदार धमाका और फिर चारों तरफ आग ही आग। हर ओर चीत्कार और चीख पुकार, ये नजारा है केरल के कासरगोड के अंजुताम्बलम विरार कावू मंदिर का, जहां लोग सोमवार को कल्याटम उत्सव के लिए जमा हुए थे। लोग भक्ति भाव में डूबे थे, श्रद्धालु भगवान से सुखी जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, खुशी में झूम रहे थे। लेकिन अचानक एक धमाका हुआ और सारी खुशी मातम में बदल गई। जानकारी के मुताबिक आतिशबाजी के दौरान यह धमाका हुआ। धमाके के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हादसे में करीब 100 लोग घायल हो गए, करीब 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। सूचना पर आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, फिलहाल धमाके की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही धमाके के कारणों का पता चल पाएगा। लेकिन यह हादसा एक सबक भी है, दिवाली के समय ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं, इसीलिए जरूरी है कि आतिशबाजी के समय सावधानी बरती जाए, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तीन आतंकी मार गिराए गए हैं। ये आतंकी हाल ही में घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर लौटे थे। पूरे इलाके को जांचना और खंगालना जरूरी है, इसलिए सुरक्षा बल लगातार पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पिछले 11 दिनों के अंदर 4 बड़े आतंकी हमले हुए। अखनूर से खबर मिल रही है, सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन चलाया जा रहा था और अब तीनों के तीनों आतंकी मारे गए हैं। इस वक्त 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखनूर में सेना की तरफ से एक बड़ा ऑपरेशन एक्शन चलाया गया, आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। 3 आतंकी घायल हुआ किया गया, आतंकवादी मारे गए। आतंकियों के खिलाफ आक्रमण हमारी सेना का, आतंक को जो अंजाम देते हैं उन पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। और ये 3 तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती है, इसमें आपको नजर आएगा कि 3 आतंकवादी मारे गए। तो
दोखनूर में जिस तरीके से सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया और 24 घंटे के भीतर ही भीतर तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 11 दिनों की अगर हम बात करें तो अभी तक 5 बड़े आतंकी हमले किए गए हैं, और इसके बाद सेना भी गुस्से में नजर आ रही है और अब मोर्चा संभाल करके तीनों ही आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। अखनूर में किस तरीके से ऑपरेशन हुआ, ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे और तस्वीरें।